पीलीभीत पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह ने गरीब कल्याण मंच से जनता के संबोधन के दौरान 2024 को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए देश में निःशुल्क गरीब के लिए गैस कनेक्शन से लेकर 2 करोड़ से ज़्यादा शौचालय व गरीब के इलाज के लिए 3 करोड़ से भी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ साथ फ्री राशन मुहैया कराने जैसी तमाम योजनाओं को उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। मंच के संबोधन के दौरान भाजपा सरकार में ही 2014 के बाद घोटालेबाज माल्या से लोगों को देश छोड़ने की बात को कहते हुए अराजकता राष्ट्रवाद आतंकवाद को जड़ से खत्म करने वाली मोदी सरकार की तारीफ की। यही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस दिलाने का काम भी इसी मोदी सरकार द्वारा किए जाने को लेकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समा बांधे नजर आए। मन में लगातार मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सामने से मौजूद पंडाल में जनता मैदान छोड़कर भी नजर आई हरा की पूरी तरह से। 2024 को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसे हुए हैं। अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और एक बार फिर संदीप सिंह ने देश के यशस्वी गरीब के नेता नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील भी की। आप क्या करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री बीमा योजना किसी कूड़ा उठाने महिला की दुर्घटना न हो वो जाकर 2 लाख का चेक। किसान सम्मान निधि, राजीव गांधी कहते थे 2 रुपए चलता है 1 रुपए चलता है तो 15 रुपए सपोर्ट है। मोदी जी कहा नहीं, न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। अब 100 रुपया चलेगा, 6000 चलेगा किसान सम्मान निधि, तो सीधे किसान के खाते में 6000 पहुंचेगा। ये पहुंचाने में किसी ने काम किया मित्रों? नरेंद्र मोदी ने किया। निर्माण हो रहा है मित्रों, ये किसी का देन है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी का मित्रों, और आपसे समर्थन करता हूं। मोदी जी ने कहा था मित्रों, न आप झुकाकर न आप उठाकर बल्कि 8 से 8 मिलाकर बात करते हैं मित्रों। देश पर पूरी नजर डालने वाले, सेना पर आतंकवादी बम फेंकने वाले वह लोगों के खिलाफ, और कोई पहला ये देश का नेतृत्व 70 साल बाद कि जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी है देश का प्रधान सेवक, पहला है मित्रों। आज आतंकवाद और आतंकवाद दम नहीं है कि राज्य में या देश में कहीं भी हमला हो। विपक्षी दल हमेशा वोट बैंक की राजनीति किया है मित्रों, हमेशा कांग्रेस सपा केजरीवाल समय समय पर हमारे सैनिकों के पुरुषार्थ पर सवाल उठाया है और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी किया है मित्रों। आज विश्व के पटल पर पहली बार मित्रों दुनिया की अंदर आपका सम्मान बढ़ रहा है। खेल जैसे बड़े क्षेत्र में नहीं, वैश्विक स्तर पर यह दिलाने का काम करता था वह दशकों की उपेक्षा का शिकार रहा है। अब प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के मंत्र के खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। हमारे देश के युवा अब दुनिया से मेडल लेकर 2014 के बाद विजय माल्या से लेकर जो विदेश भागे सभी भ्रष्टाचारियों का जन्म जब हुआ। एक बदलाव आया है, कोई नहीं बचेगा उसको, नंबर 2 के रुपया से अब कोई बचने वाला नहीं है। गरीब को कोई लूट नहीं सकता है, मैं गारंटी से कहता हूं। लेकिन मोदी जी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसको बस सम्मान करता रहना मित्रों, उस पर तस्वीर बैठी है। इसलिए 2024 आने वाला फिर से मैं आपसे कह दिया रहा हूं, किसी को मत देखना कैंडिडेट कौन होता है, केवल मोदी जी को देखना है। देश का सपना बढ़ाना है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है और गरीबी को समाप्त करना है मित्रों, और सभी गरीबों को पक्का मकान शिक्षा चिकित्सा ये सब फ्री करना है मित्रों। मोदी मोदी मोदी।
ऐसा नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेता है। मित्रों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। संगठन के सभी मंडल, सेक्टर, बूथ, ब्लॉक प्रमुख, जो कार्यकर्ता आए, लीडर एक छुट्टी नहीं हुआ है। आज उनके सम्मान में यह जनसभा है, यहाँ एकत्रित हुए हैं एक भारत माँ के लाभ को आशीर्वाद देने के लिए, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए। और ऐसा व्यक्तित्व जो आठ सालों में न एक दिन बीमार हुआ, न एक दिन छुट्टी हुआ, देश का प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी के सम्मान में आए थे। मित्रों, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत है। पिछले 8 वर्षों में भारत जिस गति से आगे बढ़ा है वो अकल्पनीय है। 2014 के पहले मित्रों भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दुराचार, अनाचार, नक्सलवाद, लेकिन